बीजेपी सरकार जब से आई है और डॉक्टर संजय निषाद जब से बीजेपी में गए तब से निषादों का उत्पीड़न लगातार जारी है और कोई संरक्षण नहीं मिल रहा। बस्ती जनपद में एक निषाद परिवार के बहू के साथ में किस तरीके का दुराचार दरिंदों ने किया, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं की गई नहीं, और उसके बाद में साथ साथ में उस परिवार की थाने में गई और तहसील में सबके यहाँ गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों को आत्महत्या निषाद परिवार को करना पड़ा है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनको धमकाया जा रहा। और उन लोगों ने बताया पीड़ित पक्ष ने कि यहाँ पे जिलाधिकारी ने बच्चों को गोद लिया है। जब जिलाधिकारी के गोद लिए बच्चे को धमकाया जा रहा है तो इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है। तो निषादों के सब हक अधिकार छीने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार जब से आई है तो से कस से अब निषाद बिन धीमर मल्ला कहार गुड़िया माझी मझवार रैकवार भर राजवार और पिछड़ी जातियों का उत्पीड़न जारी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और निषाद परिवार को डॉक्टर संजय निषाद भी न्याय नहीं दिला सकते। आप बताइए वो भी झूठा कहो। 6 महीने हो गए, 6 महीने से कोरा वादा किए हैं तो ये झांसा दे रहे हैं। और निषाद समाज इस बार माननीय अखिलेश यादव जी की नैया पाल लगाने का काम करेगा, समाजवादी पार्टी की नाव पाल लगा के दिल्ली भेजने का काम करेगा और बीजेपी को डुबोने का काम करेगा।